से कैची सॉन्ग है एंड वीडियो भी हमें देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस, बहुत ही ब्यूटीफुल कास्ट है, तो आप बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? कम थैंक यू सो मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स एंड बहुत अच्छा लग रहा है कि जब से गाना लॉन्च हुआ है पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग एंड यू नो आई एम गेटिंग अ गुड फीडबैक अबाउट इट टू स्टार्ट विथ। और एक्सपीरियंस अच्छा भी था और थोड़ा सा सैड था क्योंकि जब मैं चंडीगढ़ पहुँची थी तो मेरे डैड को कोविड हो गया था। बट व्हेन वी केम टू चंडीगढ़, पंजाब बीइंग माय फेवरेट सिटी, ऐसे ही दिल बहुत खुश था गुड टू गो बैक टू पंजाब एंड गाना भी इतना अच्छा और बबली नंबर था। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई मस्ट से आई हैड अ वेरी गुड प्रोड्यूसर मोहसिन। आई हैड ऑलवेज टोल्ड हिम इज वेरी शाय बट वो यू नो ही इज़ बीन सच अ गुड प्रोड्यूसर एंड द एंटायर टीम, माई डायरेक्टर, माई को स्टार, देव ऑल बीन सो नाइस। तो I personally felt that half the job is done जब आपका team अच्छा हो और strong हो and when they are enthused to give a good product. So बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा माइक पर ब्यूटीफुल गर्ल आपके साथ डांस लेग शेक कर रही हूँ, आप एनर्जी हाई होती है? एक्चुअली मैं इनको पहले मतलब मिला, हाँ जी मैं पहले मिला नहीं था और मतलब इनके साथ जब मैं काम मिला फर्स्ट टाइम जब, तो बिल्कुल लिटरली मुझे फील नहीं होने दिया इन्होंने, मतलब केमिस्ट्री हमारी सेट हुई थी फर्स्ट डे से। हाँ, तो मतलब बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी ट्रैवलिंग से हमारी स्टार्ट हो गई थी। ऑन सेट जब हम गए थे तो बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और ब्यूटीफुल तो बहुत ज़्यादा है तो मतलब समझ सकते हो इमोशंस मेरे अपने आप निकल रहे थे, डांस मेरा अपने आप निकल रहा था, एनर्जी मेरी अपने आप निकल रही थी तो वो इन्हीं की वजह से, वीडियो में जितनी भी आपको एनर्जी दिख रही है ना वो इनकी वजह से, ब्यूटी की वजह से। क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है? आपकी फैमिली भी है, डैडी ने देखा ये गाना, तो अगर आप बता सके। हाँ जी, डैडी ने भी देखा, डैड इज शूटिंग राइट नाउ फॉर टीवी रियलिटी शो एंड डैड ने देखा, नौरा ने देखा, गणेश आचार्य जी ने, सब ने देखा, सबके मैसेजेस आए, बहुत अच्छा लगा। एंड पापा को एक्चुअली मैंने कल, मैं परसों आई थी पंजाब से, आई वॉज अगेन इन पंजाब, तो मैंने उनको परसों ही दिखा दिया था गाना, तो ही रियली लाइक द सॉन्ग अ लॉट एंड जाने से पहले भी उनको पता था मैं कौन सा गाना शूट कर रही हूँ तो उन्होंने देखा नहीं था बट सुना था गाना, तो ही वॉज वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग। हाँ जी भाई, क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है आपके घर वालों से, फैमिली, दोस्तों से? एक्चुअली डांस का मेरा शौक था बचपन से, तो मुझे एक ऐसा सॉन्ग या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए था जहाँ मैं अपने डांस को एक्सप्रेस कर सकूँ अच्छे से। तो मेरा इंस्टाग्राम भर चुका है, पूरे इंडिया से मैसेजेस आ रहे हैं तो फैमिली भी खुश है, फ्रेंड्स भी खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। आई मीन आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। म्यूजिक वीडियो का बहुत ही ट्रेंड है जी, तो आप बताइए कि आने वाले दिनों में क्या हम ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियो देखेंगे? ओ आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ गुड म्यूजिक वीडियोज। मुझे बहुत मज़ा आता है कि यू नो आप एक म्यूज़िक वीडियो में फीचर हो एंड आजकल तो ट्रेंड्स भी चल रहा है एंड मुझे बहुत ऑफर्स भी आए हैं, बट अगेन इट हैज़ टू बी समथिंग वेरी हैपनिंग हो या बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना हो, तो येस आई एम वेरी ओपन टू इट। डांस के मामले में अगर मैं जाऊँ तो कौन है आपका गुरु, किसे आप एडमायर करते हैं? मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें भी बोला था गोविंदा सर, मतलब बचपन में छोटा सा था स्कूल फंक्शंस में, मतलब शादी मतलब फैमिली में जो फंक्शंस होते हैं उसमें गोविंदा सर के जो भी गाने थे, चलो इश्क लड़ाएं, मस्ती मस्ती एंड ऑल तो वहाँ वो उनको देख देख के, टीवी में देख देख के मैं डांस स्टार्ट किया था और वो गुरु मतलब वही है मेरे भी, मेरे डैडी है, मतलब वो तो होना ही है कि आई पर्सनली आई डोंट नो व्हाई बट या आई काइंड ऑफ लुक अप टू हिम फॉर माय डांसिंग। यू नो डांस के अलावा जो एवी हमें देखने को मिली, ढेरों सारे आप लोग मस्ती कर रहे हैं, ढेरों सारे पर ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया, जैसे कि आपने बताया जब आप चंडीगढ़ पहुंची तो बहुत सारे मोमेंट्स एक्चुअली मेरे साथ हुए मुझे पंजाबी आती है लेकिन पूरी पक्की नहीं आती, तो आई रिमेम्बर आफ्टर फिनिशिंग द शूटिंग ऑफ द सॉन्ग आई कॉल्ड माय डायरेक्टर, आई सेड ऑन दी क्या है, क्या बोल क्या रहे, तो आई वाज लाइक आई लव द सॉन्ग, फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि ये क्या था, तो एक तो वो एपिसोड हुआ कि ऐसा हुआ एंड देन देयर वाज वन शॉट जिसमें हमारे ब्यूटी शॉट्स देने थे, तो एक क्यूब में हमको रखा था जो मैनिक्विन का क्यूब होता है ना, I was so scared to enter that queue because उसमें एक तो वो lights लगे थे, ऊपर से वो पूरा glass का था, आजू बाजू सारे space कम था, उस पर उन्होंने वो कुछ आइस स्मोक चालू कर दिया था, तो आई वॉज सो स्केर्ड बिकॉज मुझे लगा था कि मैं सफोकेट ना हो जाए, बट देन सम हाउ दो शॉर्ट्स टर्नड आउट सो ब्यूटिफुल, माई डायरेक्टर वॉज वेरी वेरी काइंड, वेरी नाइस।
मैं एक्चुअली मेरा नेचर मस्ती वाला है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ हुआ है, सॉरी एक और चीज़ हुआ है दैट ये गाना हम लोगों ने एक्चुअली इन 16 आवर्स खत्म कर दिया था। वी शॉट वी स्टार्टेड शूटिंग इन 16-17 घंटे में, या 16 आवर्स में नहीं, नॉन स्टॉप शूट किया था। बट मिलो ना तुम वाज शॉट इन 14 आवर्स एंड दिस सॉन्ग वाज कंप्लीटेड इन 16 आवर्स। सो इट वाज अमेजिंग बिकॉज सुबह के 4 बजे तक हम लोग पार्टी कर रहे थे। इट वाज वेरी नाइस। एक्चुअली मेरा नेचर फनी है, थोड़ा सा मस्ती ज़्यादा करता हूँ, तो इनसे जब मिला नहीं था तो मेरे को थोड़ा ऐसा था पता नहीं मैं कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए कुछ, तो पता नहीं अनकंफर्टेबल ना हो जाए चीज़ें। तो जब भी टेक कर रहे थे हम, तो मैं ना मुंह बना बना के उल्टे सीधे मुंह बना बना के चिढ़ा रहा था इनको। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम फ्रेंड्स हैं पहले से जानते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरीज थी जो लाइफ टाइम मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि हमने बहुत मेहनत की है और अच्छा गाना भी, इट हैज़ टर्नड आउट टू बी वेरी नाइस एंड सुबह से अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं। सो प्लीज़ इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें एंड हमें आपका सपोर्ट दें, बिकॉज दैट्स ऑल वी रिक्वायर राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, चारों तरफ फैला दें और लक्ष्य एक दिखना चाहिए हर जगह। एंड वी आल्सो वांट टू सी एवरीवन्स लक्ष्य एक मूवमेंट्स ऑन रील्स। यस यस यस, रील्स बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो व्हेन आई वाज टोल्ड कि भाई टीना आहूजा इज इन दिस सॉन्ग एंड आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड, आई सेड वाओ दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। एंड मेरा हाल ही में एक सॉन्ग आया था, पंजाबी का सॉन्ग था वो भी, और ये भी पंजाबी है। सो आई सेड वाओ दिस इज़ ग्रेट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गेट बैक टू माई रूट्स विच इज़ यू नो पंजाबी सॉन्ग्स एंड पंजाब। एंड द ट्यून इज़ वंडरफुल, द प्रोडक्शन इज़ ग्रेट, वीडियो बहुत ही अच्छा है, वेरी पेपी एंड यू नो अनवरोल इज़ लुकिंग ग्रेट। आई थिंक इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड एक्चुअली द ट्यून इज़ रियली नाइस। सो आई सेड येस टू द सॉन्ग बिकॉज आई फेल्ट दैट माई वॉइस सूटेड टीना। सो That's what the excitement is all about, Lakshik, and I'm really excited and big congratulations to the entire team of Lakshik. Okay, इसके अलावा जो है जोगिया गाना भी आया था, तो उन्हीं तो पहले साथ उनका फर्स्ट सॉन्ग था, और यार तो से क्या कुछ मेमोरीज फ्रेश हुई थी वहाँ पर जाके। इसके पहले जोगिया जो था मार्च के एंड में रिलीज हुआ था, और उसमें धीरज धूपर वॉज एक्टिंग इन द सॉन्ग, इवन आई वॉज फीचरिंग इन द सॉन्ग। इन फैक्ट बहुत मज़ा आया, वो गाना भी हमने चंडीगढ़ में ही शूट किया, पंजाब में शूट किया। सो इट सीम्स दैट सारे म्यूजिक वीडियोज़ आजकल पंजाब में शूट हो रहे हैं। सो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट वॉज़ अ 2-day शूट, बहुत मज़ा आया। एंड देन अगेन वी बैक टू अनदर पंजाबी सॉन्ग विच इज़ लक्षिक। सो आई थिंक द फन ऑफ पंजाब एंड द फ्लेवर ऑफ पंजाब इज कैरिंग ऑन। ऑल आई हैव टू से इज दैट यू नो पंजाब का जो म्यूज़िक है वो बहुत मेलोडियस है और बहुत ग्रूवी है, मतलब आप सबको ज़रूर नचा देता है। और लक्षिक पे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लव इसको खूब सारा प्यार दीजिए एंड कीप ग्रूविंग एंड डांसिंग टू द ट्यून्स ऑफ लक्षिक। थैंक यू जी सो मच। गाना बहुत अच्छा है, बहुत पैपी सॉन्ग है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द होल टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं किस टाइप के गाने पसंद करती हूँ, मुझे रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, मुझे आइटम गाने बहुत पसंद है, सो दैट्स मोर हाउ आई लाइक इट। या पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी। लॉकडाउन हो रहा था एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई वॉज प्रिफरिंग टू स्टे होम, बट अभी इन फ्यू मंथ्स इंशाल्लाह यू विल सी मी बैक इन बिग स्क्रीन। Well, it took me so long, COVID took so long, not me. And also, I was just, you know, spending time with my family and staying home and making sure that everyone is safe. So, yeah, that's all. So, क्या आप देख सकते हो लक्षिक करते हुए? Yeah. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग मी, सपोर्टिंग मी एंड आई एम रियली गोइंग टू कम सून एंड लव यू गाइज। थैंक यू, थैंक यू।
Of course, the song is directed by Sahil and he is my brother. And Govinda sir ki daughter hai usme Tina and she is looking super gorgeous as always. और उनका ये जो डांसिंग का अवतार है ये पहली बार देखने को मिला है. एंड थैंक यू सो मच साहिल कि टीना का आपने ये अवतार हमें दिखाया सुपर ग्लैमरस. और मुझे लगता है वो पूरी इंडस्ट्री को टक्कर देने वाली है अभी डांसिंग में, बिकॉज शी इज फैबुलस इन द सॉन्ग. फुल ऑन. हाँ अभी लाइक वॉट वो बोले आपने टीना को फैबुलस बनाया तो आप क्या कहना चाहते हो, कितनी मेहनत लगी? मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगी है और हर एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उसके पीछे मेहनत ही होती है. और मेन चीज़ ये है ये मेहनत करने के लिए रेडी थे, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट होते हैं जो हम लोग शूट करते हैं बट वो रेडी नहीं होते वो चीज़ करने के लिए जो हम करना चाहते हैं. बट ये साहिल नेचर से कि टीना बहुत ज़्यादा लर्निंग नेचर है उनका एंड शी इज़ फैंटेबुलस. और उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया है वो ऑफकोर्स वो आप सभी को दिख ही रहे हैं. एंड अनु जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अनवर जी ने, और सबने बहुत ज्यादा मेहनत करी. पूरा एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क आई थिंक, तभी ये प्रोजेक्ट एक बन पाया. अच्छा मुझे तो सॉन्ग इतना अच्छा लगा कि बस अभी खुशी अपने लक्ष्य एक करने वाली है. कितने लक्ष्य एक होंगे वो मैं देखना चाहता हूँ. रील्स पे सारे लक्ष्य एक होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे लक्ष्य एक होने चाहिए. जरूर जरूर करेंगे. फिलहाल तो लक शेक पे लक शेक होंगे, बिकॉज वी आर हेयर फॉर लक शेक कर दी. सो लक शेक करना तो लगता है, एक लक शेक करने का शॉट लो अभी के अभी. ला ला ये लो, ये हो नहीं था. थैंक यू सो मच.